अस्सलाम नाजरीन एची मीडिया के साथ मैं डॉक्टर एरमाडा इस वक्त लाहौर लिबर्टी चौक पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और लोग ढोल की थाप पर डांस भी कर रहे हैं, भंगड़े भी बजा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये किस बात की खुशी मनाई जा रही है, बताइएगा। 14 अगस्त की, 14 अगस्त को क्या हुआ है, थोड़ा सा इस पर बताइए। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद, आप आज़ाद हैं? जी हम आज़ाद हैं। किस तरह की आज़ादी है? बहुत बहुत बड़ी आज़ादी है हमारे लिए। ये जो ढोल थाप भंगड़े बनाए गए, हाँ जी, ये जो ढोल पे थाप पे भंगड़े बजाए जा रहे हैं 14 अगस्त में, क्या कायदे ये कहा था कि आप बाजे बजाओ, ये बाजे आपके पास? नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये गलत कर रहे हैं। कायदे आज़म ने मुल्क के ये डांस के लिए आज़ाद नहीं किया था। ये यहाँ पर तो भंगड़े जा रहे हैं, डांस जा रही है। अच्छा, बाजे से लेके आज़ादी आनी? हाँ जी, बाजा आज़ादी लेके आ जाएगा। हाँ जी, इस तरह से, थोड़ा इस तरह से भाई। बाजा बजा कर क्या मैसेज देते हैं लोगों? बाजा बजा के ये मैसेज देते हैं कि खुशी महसूस होती है, आज खुशी का दिन है, खुशी मनाएं। खुशी मनाएं। पाकिस्तान ने क्या दिया अभी तक आप? पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी है, आज़ाद मुल्क दी है। 14 अगस्त को क्या हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। किसने आज़ाद किया था? क्या मोहम्मद अली जिन्ना। और कौन कौन शामिल थे? इलाम इकबाल और इकबाल शामिल थे उस टाइम थे जी। आज़ादी नहीं, उन्होंने ना इलाम इकबाल साहब ने ना कैद आज़म साहब को पाकिस्तान की तबीर दी थी। कब? पाकिस्तान बनाने कब दी थी? ये सारे पाकिस्तान के नाम पे भाई कुछ प्रसाद कर। आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के हवाले से एक तराना है, तराने के कुछ